أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। अभी गुज़श्ता सवाल जवाब के मौके पर एक साहब ने सवाल किया था कि अगर तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि जहाँ से छोड़ा था वहीं से वो मुकम्मल करे, जबकि शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह का भी फतवा देखा मैंने कि शुरू से उनको तवाफ़ करना है। और नमाज का मामला भी वैसे ही है, नमाज में अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो दोबारा जाकर शुरू से नमाज़ पढ़नी होती है, इसी तरह तवाफ़ भी है, तो तवाफ़ भी शुरू से फिर शुरू करके फिर करना चाहिए अगर तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो। जी तो उनका एक शुबा ये है कि किसी ने उनको बताया था कि अगर 3.5 तवाफ़ अगर हो जाए, आधा हिस्सा हो जाए, फिर वज़ू टूट जाए तो दोबारा जाकर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को वज़ू करके कंटिन्यू कर ले। और अगर आधा तवाफ़ से पहले वज़ू टूट जाए, ऐसी कोई तफरीक नहीं है, अगर तवाफ़ शुरू होते ही वज़ू टूट जाए तो फिर दोबारा जाके आपको वज़ू करके तवाफ़ करना है, और अगर 7वें चक्कर में वज़ू टूट जाए तब भी आपको वज़ू करके फिर तवाफ़ करनी है। जी जी, अलबत्ता बाज़ उलमा का कौल ये तो है कि वज़ू तवाफ़ के लिए शर्त नहीं है, जैसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है, लेकिन बेहतर ये है कि तवाफ़ वज़ू की हालत ही में करें। जी जी हाँ, सही की बात जहाँ तक है वो उसके लिए तहारत शर्त नहीं है, बग़ैर वज़ू की भी तवाफ़ सही किया जा सकता है, सही के लिए तवाफ़ शर्त नहीं है। जी और जहाँ तक अगर किसी औरत का मसला हो तवाफ़ के बाद करने के बाद उनके लिए कुछ उज़्र का मसला लाए हो जाए तो क्या वो सही कर सकती हैं जबकि सही के लिए तवाफ़ शर्त नहीं है। तो सही बात यह है कि सही की जो जगह है अब मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुकी है, लिहाजा उनको सही भी नहीं करना चाहिए, उसके बाद जब वो पाकिज़ा हो जाएंगे तब वो जाकर सही करेंगे। जी अब उनका एक कहना है कि नई गाइडेंस के हिसाब से अगर कोई हरम के अंदर चला जाए फिर उसके बाद फिर दोबारा आके फिर अंदर में नहीं जा सकता है, वल्लाहु आलम ये कहाँ तक सही है, लेकिन एहराम की हालत में हो तो अंदर भेजते हैं, एहराम की हालत में हो तो बाहर आके वज़ू करके फिर जाए या इस्तिंजा करके फिर जाए तो भेजते हैं, एहराम की हालत में होना शर्त है। जी जी उनका एक सवाल सफ़र के ताल्लुक से हुआ कि मुसाफिर को जैसे कि बताया जाता है कि जो सुनन रवातिब होते हैं यानी फ़जर में 2 रकात सुन्नत, जोहर में 4 और मगरिब में 2 और ईशा में 2 और फजर में जोहर में बाद की 2 दरक 2, ये जो है मुसाफिर को माफ़ है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात सुन्नत और वितर कभी नहीं छोड़ते थे। अलबत्ता जो नफिल नमाज़ें होती हैं जैसे चाश्त की नमाज़ है या मस्जिद में दाखिल होने के बाद तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वज़ू है, ये नमाज़ें आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं और नफिल नमाज की नीयत से आप जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। जी अब उनका एक सवाल ये है कि मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हराम में 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है, क्या ये सवाब सिर्फ फ़र्ज नमाज के साथ ख़ास है या नफिल के लिए? नहीं, बल्कि नफिल के लिए भी, हर नमाज के लिए है,
हर नमाज के लिए, चाहे वो वितर हो, चाहे वो सुन्नत हो, नफिल हो, फ़र्ज़ हो, हर नमाज के लिए है जी। और 24 घंटे जब चाहें वो नमाज आप पढ़ सकते हैं जी। अब ये किसी ने सवाल किया है कि तवाफ़ में काउंटिंग के लिए तस्बीह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जो डिजिटल छोटी सी एक तस्बीह आती है नंबरिंग की, उसको जो है बाद लोग रख लेते हैं, और अगर ज़्यादा अंदेशा हो कि वो नंबर मिस कर लेंगे तो लगा सकते हैं, वरना तस्बीहात के लिए कोई डिजिटल या जो है जो लोग गिनते हैं तस्बीहात रखते हैं वो मुनासिब नहीं है। हमको उंगलियों पर तस्बीह पढ़नी चाहिए, तस्बीह उंगलियों में पढ़नी चाहिए। और अगर सिर्फ तवाफ़ की हद तक वो डिजिटल जो तस्बीह आती है वो रखते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, अगर उनको अंदेशा हो कि नंबर जो है मिस हो जाएंगे या उनको गिनती जो है मिस हो जाएगी। अब एक सवाल एक औरत ने किया है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़े और मुख्तलिफ अज़कार बताते हैं, कैसे पता चले कि बिना कन्फ्यूज़न के यही सही तरीक़ा है। अब देखिए मुख्तलिफ हज के कैंप्स लगे हुए हैं और अहनाफ के भी लगते हैं उसमें, और तबलीगी जमात के लोग भी हज कैंप लगाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिन उनकी तरबियतें होती हैं। लेकिन आपको जो है जो भी लोग बताते हैं कुरान और हदीस की दलील के मुताबिक बताते हैं तो उनको आप फॉलो कीजिए, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि हज का तरीक़ा भी आसान तरीक़ा है, लोग उसमें मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसा करेंगे तो आप पर ये पाबंदी होगी, ऐसा करेंगे तो ये पाबंदी होगी, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है परेशानी में लोग मुब्तला कर देते हैं। और दुआएँ पढ़ने के जो अवकात हैं, जो दुआएँ हैं, जो अज़कार हैं, जो साबित हैं, बिल्कुल मुख्तसर हैं। यहाँ तो लोग तवाफ़ के हर चक्कर में एक एक दुआ सिखलाते हैं, वो कहाँ कहाँ पड़ेगा इंसान। तो इसलिए हज का तरीक़ा मसनून तरीक़ा जो कुरान और हदीस के मुताबिक बतलाए, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि जमीयत अहले हदीस तबके के लोग जो तरीक़ा बताते वही सही है, इसमें कोई किसी दो की राय का इख्तलाफ है ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, कुरान और हदीस से हर मसले की दलील बताते हैं। अब इन लोगों से जाकर पूछिए दलीलें कहाँ हैं, हर चक्कर में एक एक जिक्र करने की कोई दलील नहीं है उनके पास। तो लिहाजा कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मस्जिद में आ गए हैं तो आपने इस तरीक़ा सीखा है, तो इसी तरीक़े को आप फॉलो कीजिए, सारे तरीक़ों को आप छोड़ दीजिए। और आपको PDF भी चाहिए तो हम आपको सेंड कर देते हैं, उसी को आप साथ में रखिए, उन्हीं दुआओं को उन्हीं अज़कार को आप पढ़ते रहिए, कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला से तौफीक मांगिए, अल्लाह ताला से जो है सही बात को समझने और उसके सही तरीक़े को मालूम करने की तौफीक अल्लाह ताला से ज़रूर मांगिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़ हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिल बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि हक और बातिल की पहचान हमें होनी चाहिए ज़रूर, सुन्नत और बिदात की पहचान हमें ज़रूर होनी चाहिए, शिर्क और तौहीद की पहचान हमको ज़रूर होनी चाहिए, वरना आइन मुमकिन है कि इंसान कभी बिदात में, कभी शिर्क में, कभी खुराफात में मुबतला हो जाए। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको सही तरीक़ा बताया जा रहा है, इसी को फॉलो कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब करे जी। जी अब देखिए नमाज़ों का मसला जो है ये लोग बड़ा हंगामा करके रख देते हैं 5 दिनों में कि इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। अरफात के दिन जोहर की एक नमाज़ पढ़ते हैं, फिर असर को अज़ा होती है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम के पीछे मक्का वाले भी थे और मदीने से आए हुए दूसरे मेहमान भी थे, किसी को आपने ये नहीं कहा कि तुम 4 पढ़ो हम 2 पढ़ लेंगे,
आपको मीना में रहते हुए आपको दो ही नमाज इन्हें रकातें पढ़ना चाहिए जहर और असर में। ये वहाँ फ़र्क नहीं है कि आप मुसाफिर हैं या मुकीम हैं, ये हज की इबादतों में दाखिल है। नबी करीम सल्लम ने कितना पढ़ा कितना पढ़ाया, मीना में आपको 3 दिन रहना है। अब जाते ही आप जहर की नमाज़ मीना में पढ़ेंगे, वहाँ 2 रकात पढ़ाते हैं। जितना वहाँ पढ़ाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद जाने का मौका ना मिले तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक लोगों को जमा करें, 2-2 रकात पढ़ के ख़त्म करें। ये मनासी के हज में उलमा ने इसको शामिल किया है, नमाज का तरीक़ा भी। और फिर अरफात में जहर और असर को दोनों नमाज़ें मिलाकर 2-2 पढ़ते हैं, यही सुन्नत है। फिर मुज़दलिफा में ईशा के वक्त आकर मगरिब और ईशा मिलाकर 2 और 3 2 3 और 2 पढ़ते हैं, यही सुन्नत है। उसके बाद 2 या 3 दिन मीना में रहते हैं, सब 2-2 रकात जहर और असर की पढ़ते हैं और ईशा की पढ़ते हैं। तो यही मसनून है और यही हज का तरीक़ा ये दाखिल है। वहाँ ये कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए कि हम मुसाफिर हैं, हम करीब के रहते हैं, हम दूर से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक सुन्नत को फॉलो करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। जी जी, बेहतरीन सवाल जो है आपने किया था। अब जुमा आ गया तो क्या करें, जुमा आ गया तो वहाँ जुमा कायम नहीं करते हैं, वहाँ जोहर पढ़ते हैं, आपको भी वहाँ जो है जोहर ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अहनाफ के लोग या तबलीगी लोग ये हिसाब कैलकुलेशन करते हैं कि 15 दिन हुआ तो हम मुसाफिर नहीं तो हम मुकीम हो गए, ये सब हज के अहकाम में नहीं है। हज के अहकाम में जो मसाइल जो बताए जाते हैं कि नबी करीम सल्लम ने, आप सल्लम के पीछे बाहर के लोग भी थे, मक्के वाले भी थे, आपको सबको एक ही नमाज़ पढ़ाया था, तो वैसे ही हमको पढ़ लेना चाहिए। जी और कोई सवाल है तो बताएं। उनका एक सवाल ये है कि हज जो शुरू होता है वो ज़िलहिज्जा की 8 तारीख से शुरू होता है, जहर के वक्त, और नबी करीम सल्लम जहर से पहले आप मक्के से निकल गए थे, जहर की नमाज़ आपने वहाँ अदा की थी। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि बाज़ टूर्स वाले जो है भीड़ भाड़ की वजह से 7 तारीख ही की शाम को लेकर चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में हमको वहीं अहराम बांध कर वहीं नीयत करके निकल जाना चाहिए। हाँ, रूम से ही नीयत करके तलबिया पढ़ते हुए निकल जाना चाहिए। हाँ, 7 तारीख ही को रात में जो लेकर जाते हैं ईशा के बाद, वहीं अहराम बांधकर हज के कपड़े पहनकर तलबिया कहते हुए निकल जाना चाहिए। और वहाँ कोई मुअल्लिम आपको सादे कपड़ों में ले जाता ही नहीं है, क्योंकि हज नहीं हुआ समझते हैं वो, तो इसलिए अहराम बांधकर आपको शुरू कर देना चाहिए। इनका एक सवाल है जो इससे पहले भी आया था कि दूसरा उम्रा अगर हमें करना हो तो क्या करना चाहिए। मैंने बताया था कि उम्रा जो है सफ़र में एक ही उम्रा होता है। नबी करीम सल्लम एक ज़िंदगी में सिर्फ 4 उम्रे किए थे, यहाँ लोग दिन में 4 उम्रे करते हैं, तो ये कोई मसनून अमल नहीं है। आपको जितना हो सके वहाँ तवाफ़ करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता दूसरा उम्रे की ख्वाहिश हो तो कम अज़ कम बाल बढ़ने के का जो वक्त होता है पीरियड जो है 10-15 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, बाल अगर जब बढ़ जाते हैं तो आपको मक्के से बाहर जाकर मस्जिद आयशा नहीं, वो मीकात नहीं है, वो ताइफ हो या कोई जेरला ना हो, दूसरे जो मीकात के मकामात हैं वहाँ जाकर वहाँ से अहराम बांधकर आपको दूसरा उम्रा करना चाहिए। वरना जो है आमतौर पर लोग उम्रे पर उम्रे करते चले जाते हैं और सर छीलते चले जाते हैं, जबकि नबी करीम सल्लम ज़िंदगी में सिर्फ 4 उम्रे किए थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के का वाक़िया जैसे हुआ था, उनके जैसा अगर कोई मामला पेश आ जाए तो औरतों को मस्जिद तनीम जाकर उम्रा करने की या मस्जिद आयशा जाकर उम्रा करने की इजाज़त है।
میں کیا ہے اب یہاں ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ طواف حج کے عمرے کے چار کام جیسے میں نے بتایا کہ طواف احرام باندھنا طواف کرنا سعی کرنا اور سر کے بال نکالنا اگر ان حالتوں میں سے کسی حالت میں اگر عذر شرعی لاحق ہو جائے عورت کو تو کیا کیا جائے جیسے میں نے بتایا کہ اگر طواف شروع کرنے سے پہلے ہی اگر ایسی حالت ہو جائے تو مکہ جا کر وہیں وہ روم میں آرام کریں پانچ دن سات دن کے بعد جب وہ پاکیزہ ہو جائیں گی اس کے بعد وہ طواف کر کے سعی کر کے سر کے بال نکال کر احرام سے آزاد ہو جائیں گی اور اگر طواف کرنے کے بعد شروع ہو جائے تو سعی بھی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں پھر روم میں آ جائیں آرام کر کے پھر اس کے بعد جب پاکیزہ ہو جائیں گے سعی کر کے آپ سر کے بال نکالیں گے اور اگر سعی کرنے کے بعد اس قسم کی حالت پیش آ جائے تو سر کے بال نکال سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ اس کے مواقع ہیں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ منا یا عرفات میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیا دیکھیں حج کے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے اوپر جانور کی قربانی واجب ہے اور وہ نہ دے سکتے ہوں اور کن لوگوں پر جانور کی قربانی واجب ہے جو لوگ حج تمتو کرتے ہیں اور ہندوستان سے جانے والے عام طور پر حجاج حج تمتو ہی کرتے ہیں تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اگر ان کے پاس قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے اوپر دس روزے واجب ہوتے ہیں دس روزے واجب ہوتے ہیں تین روزے وہ حج کے ایام میں رکھ سکتے ہیں اور بقیہ سات روزے وہ گھر آ کر رکھیں گے یہ جو تین روزے ہیں وہ منا میں رہتے ہوئے حج کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ ایام ذی الحجہ کو جب منا میں رہیں گے تب وہ رکھیں گے عرفہ کا دن روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے صاحب نے آپ نے دودھ منگوایا اور دودھ پیا تھا تو لہذا روزہ رکھنے کی خواہش اور تمنا نہ کریں آپ عام جیسے رہتے ہیں سب لوگ ویسے ہی رہیں قربانی دینے کی استطاعت نہ ہو پیسے نہ ہوں یا پیسے گم ہو گئے ہوں تو ایسے لوگوں کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے ورنہ عام لوگوں کو ان دنوں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے روزے سے نہ رہیں انسان تھک جاتا ہے عبادت کرنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے جی ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی نیت کیسے کریں عمرہ کی حج جیسے عمرہ کی نیت میں نے بتایا لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم عمرتن کہہ کر آپ عمرہ کی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں اور جب حج کہیں گے لبیک اللہم حجتن یا حجن لبیک اللہم حجن یہ تو الفاظ ہوئے دل میں بھی نیت ہونی چاہیے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے گویا آپ عمرے میں یا حج میں داخل ہو گئے عمرے کے لیے لبیک اللہم عمرتن اور حج کے لیے لبیک اللہم حجن سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا عمرہ کر سکتے ہیں دیکھیں میت کی طرف سے اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو زندگی میں عمرہ یا حج کرنے کی تمنا تھی لیکن وہ حج نہیں کیا عمرہ نہیں کر سکا یا پیسے نہیں تھے اس کے پاس تو اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے والد ہیں والدہ ہیں ان کی طرف سے اگر عمرہ کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ تو آپ نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے کہا کہ اخن لی و قریب ان لی میرا بھائی یا ایک میرے رشتہ دار ہے تو آپ نے کہا کہ حج تو ان کی طرف سے عمرہ کرو اور حج بھی کرو تو حج بھی کیا جا سکتا ہے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے زندہ آدمی کی طرف سے کیا حج کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں زندہ آدمی اگر ایسی حالت میں ہو جو بیمار ہو چل بھی نہیں سکتا ہو ایسے شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے ورنہ صحت مند آدمی کی طرف سے عمرہ یا حج نہیں کیا جا سکتا ایک عورت نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد اتنے کمزور ہیں کہ گاڑی پر بیٹھنا بھی مشکل ہے تو آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے تم حج کر لو تو عورت مرد کی طرف سے مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ حج تو فرض ہو گیا لیکن جا نہیں سکتا بیمار ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہ حج پر بھیجیں حج کے پیسے دے کر حج کی ٹکٹ کٹوا کر ان کو بھیجنا چاہیے اور جو لوگ عمرہ یا حج کرتے ہیں یا بدل وہ اپنا پہلا عمرہ اور حج کیے ہوئے ہونا شرط ہے
جی اچھا ہاں دیکھیے دس ابھی تو انشاءاللہ حج کے مسائل بنائے بیان کیے جائیں گے دس ذی الحجہ کو جو کام کرتے ہیں چار کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے مزدلفہ سے آ کر منا پہنچ کر کنکری مارتے ہیں اس کے بعد قربانی دیتے ہیں اس کے بعد سر کے بال نکالتے ہیں اس کے بعد مکہ پہنچ کر طواف افاضہ اور سعی کرتے ہیں یہ چار کام اس ترتیب سے کرنا بہتر اور افضل ہے اگر موقع ہو اور سہولت ہو تو اسی انداز سے اسی ترتیب سے کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی پہلے منا پہنچ کر پہلے قربانی دے دیتا ہے یا پہلے سر کے بال نکال لیتا ہے تو آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ترتیب یہی ہے پہلے کنکری مارنا پھر اس کے بعد قربانی دینا اس کے بعد سر کے بال نکالنا پھر طواف اور سعی کرنا اور اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کر سکتے ہیں ضرور اب ان کا ایک سوال یہ ہے کہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے ان قربانی میں ہم کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں جیسے لوگ وہاں جو ہے راجی بینک ہوتی ہے یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں اگر وہ معتمد ہیں اگر ان پر بھروسہ ہے واقعی وہ قربانی دیں گے تو آپ ان کو وکیل بنا سکتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں اور آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کب کریں گے کس دن کریں گے قربانی اور ہم کو وہاں جا کر دیکھنا ہوگا یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے بس یہ کہ اگر زیادہ ہی اعتبار کرنا ہو تو وقت پوچھ لیں کہ کب کرتے ہیں اتنا ہی کافی ہے ورنہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا طواف زندہ آدمی کی طرف سے یا مردہ آدمی کی طرف سے کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے جس طرح نماز کسی اور شخص کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے اسی طرح طواف بھی کسی مردہ یا زندہ شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے بس مردہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ تو دعاؤں کا ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہم دعا کریں طواف کے وقت کیا دنیاوی دعا کر سکتے ہیں طواف کے وقت جو بھی چاہے انسان مانگ سکتا ہے جیسے ہم نے بتایا کہ رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ دعا پڑھیں یا آپ جو ہے کچھ بھی دنیا کی چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے کوئی حرج کی بات نہیں انسان اپنی دولت مانگے صحت مانگے اپنے گھر والوں کی سلامتی مانگے جو چاہے انسان مانگ سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی غلطی نہیں صحیح میں کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے صحیح میں آپ جب صحیح کریں گے صفا مروہ کے درمیان کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک جو دعا ہے رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم یہ اگر پڑھتے ہیں تو بہتر ہے اور اگر یہ یاد نہ ہو تو جو بھی دعا آپ کو یاد ہے یا جو اذکار یاد ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو بھی دعا اذکار ہوں دعائیں ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ صفا اور مروہ میں جو میں نے بتایا اذکار تین مرتبہ پڑھیں گے اور دعائیں دو دو مرتبہ پڑھیں گے جی جی دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہا کہ بالکل دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں دعاؤں کی جو کتابیں ہیں جو مستند اور صحیح ہیں وہ لے جا سکتے ہیں اور وہ دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں یا جو ہے اس کی پی ڈی ایف موجود ہے ہمارے پاس آپ اپنا نمبر سینڈ کریں گے تو پی ڈی ایف بھی بھیج دیں گے تو اس کو بھی دیکھ کر آپ موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ 30 دن کا جو سفر ہے کیا ہم کو قصر ہی پڑھنا ہے یا مکمل پڑھنا ہے دیکھیے یہ قصر یا اتمام کی بات ہمیشہ اس کو یہ الجھائے رکھتے ہیں یا حناف اور تبلیغی لوگ اس چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک انسان ایک جگہ اپنے علاقے سے دوسری جگہ جاتا ہے تو کب وہ مسافر شمار ہوتا ہے اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے 19 دن اگر کہیں رہنے کا ارادہ ہو تو وہ 19 دن یا 19 دن سے زیادہ وہ مسافر شمار ہوتا ہے ورنہ وہ مقیم شمار رہے گا اگر کم دن رہنا ہو آپ یہاں سے جب جاتے ہیں تو 19 دن سے زیادہ 30 دن رہتے ہیں مسافر ہی کی حکم میں رہیں گے لیکن آپ کو مسجد حرام میں مسجد نبوی میں امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو مکمل ہی پڑھنا ہے اور اگر کبھی نماز چھوٹ جائے تو آپ قصر کے طور پر پڑھ لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی تو یہ جو مدت ہے 19 دن ہے 19 دن یا کئی اقوال ہیں اس سلسلے میں
तो 19 दिन या उससे ज़्यादा रहने का इरादा हो तो मुकम्मल पढ़ेंगे, कम दिन रहने का इरादा हो तो पूरी पढ़ेंगे। तो इमाम के पीछे और मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में इमाम के पीछे पढ़ने की कोशिश करें तो पूरी नमाज ही तो पढ़ना होता है। तो ये चंद सवालात रहे और मैंने जो है नंबर भी, हाँ जी भाई साहब का एक बेहतरीन सवाल ये आया है कि मस्जिद नबवी में या मदीने में रहते हुए 40 नमाजों का अहतमाम जो करते हैं क्या वो करना ज़रूरी है। देखिए हदीस में ये कोई सही हदीस नहीं है कि मदीने में रहते हुए 40 नमाजों का अहतमाम करना ज़रूरी है। हदीस असल में ये है कि इंसान जहाँ कहीं रहे, मदीने में रहे या बेंगलोर में रहे, कहीं भी रहे, 40 नमाजें तकबीर तहरीमात के साथ अहतमाम करे तो उसके कुछ फजीलतें हैं, निफाक से बरात लिखी जाती है उसके लिए। ये मस्जिद नबवी के साथ ख़ास नहीं है। आप जितनी पूरी नमाजें या 40 क्या 50 नमाजें भी आप पूरी वहीं पढ़िए, तकबीर तहरीमात के साथ पढ़िए, बेहतर चीज़ है, लेकिन उसके पीछे पढ़ना जो है कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सही बात नहीं है इस सिलसिले में। और ये जो फजीलत है वो हर मस्जिद के लिए है वो जी। इसीलिए लोग जो कहते हैं कि 8 दिन वहाँ रहना, आपको 8 दिन रहना ज़रूरी है क्योंकि हर पाँच नमाज एक दिन में होती हैं, तो 8×5=40 नमाजें जो है आपको वहाँ पढ़ना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात शर्त नहीं है। पूरी नमाजें हम पढ़ने ज़रूर, 40 क्या 50 भी वहीं पढ़ने का अहतमाम कीजिए, लेकिन इस फजीलत को हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ साबित नहीं है। भाई साहब का एक सवाल बेहतरीन सवाल यह आया है कि कुर्बानी जो हज की वाजिब होती है वो क्या हमको मक्का ही में देना है या फ़ोन करके इंडिया में दिलवा देंगे। नहीं नहीं, हज की जो कुर्बानी होती है वो मक्के ही में देना है, मक्के में या मीना में वहीं देना है, या इंडिया फ़ोन करके नहीं है। क्योंकि कुर्बानी जो है दो किस्म की, एक तो हज की कुर्बानी जो वहीं देना है, और जो बकरीद की कुर्बानी होती है वो अगर घर वाले इस्तात रखते हैं तो उन पर वाजिब है, वरना वो भी वाजिब नहीं है। और दोनों में फ़र्क ये है कि बकरीद की जो कुर्बानी होती है वो घर की तरफ से एक बकरा काफ़ी हो जाता है, लेकिन हज की जो कुर्बानी होती है घर के अगर सारे लोग जाते हैं तो हर आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है। 8 आदमी जाते हैं तो 8 बकरे या ऊंट का जो हिस्सा है वो लेना ज़रूरी होता है, तो वहीं देंगे, यहाँ जो है फ़ोन करके देना नहीं है जी। तो मैं अपना नंबर जी 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 देखिए मैंने अभी बताया कि 19 दिन से ज़्यादा अगर आप रहने का इरादा रखते हैं तो आप मुसाफिर नहीं हैं, समझ में आया। तब इसका मतलब ये हुआ, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर नमाज के साथ सुन्नत में पढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो सफ़र है 30 या 40 दिन का है जी, तो आपको जो है पूरी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। हाँ अलबत्ता जो है सफ़र के दौरान वहाँ से मक्का से मदीना जाते हैं, मदीना से मक्का जाते हैं, वहाँ आपको जो है छोड़ दें क्योंकि सफ़र के दौरान है, तो कोई हरज की बात नहीं है जी। जी मैं कुछ लोग जो है 15 दिन के लिए जाते हैं, कुछ लोग 20 दिन, मैंने जो बताया 19 दिन हिसाब है, 19 दिन से कम के जो लोग जाते हैं 15 दिन 14 दिन के लिए तो मुसाफिर के हुक्म में रहेंगे, और 19 दिन से ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो मुकीम के हुक्म में रहेंगे। ये सिर्फ जो है हज के अलावा है, हज के जो 5 दिन होते हैं वहाँ आपको मुसाफिर या मुकीम का हिसाब नहीं करना है। वहाँ जो पढ़ना है मीना में सिर्फ 2-2 रकात ही पढ़ना है, मीना में जो पढ़ना है वो 2-2 रकात ही पढ़ना है, हज के वो या हज की इबादतों में दाखिल है वो, वहाँ मुसाफिर और मुकीम की पहचान या फ़र्क नहीं है। नहीं नहीं पूरी नमाज है, पूरी नमाज है। ये फ़र्क आमतौर पर यही लोग मसला उठाते रहते हैं कि आपको पूरी पढ़ना है या ये पढ़ना है, तो आप मुतमईन रहें, चूँकि आपके दिन अयाम ज़्यादा हैं तो पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं।
सवाल यह है कि हज के अय्याम में तहज्जुद की नमाज़ या वितर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मुसाफिर भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है, और नबी करीम वसल्लम वितर की नमाज़ सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे, तो इन दोनों नमाज़ों का अहतमाम कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। तो मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल हो तो वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप में 9945307635, और ख़वातीन भी हो तो वो भी जो है सवाल भेज सकती हैं। जी PDF जो हज के मसाइल के ताल्लुक से हैं वो इंशाल्लाह इंग्लिश में भी हम मुहैया कर देंगे, इस नंबर पे आप एक रिक्वेस्ट भेज दें तो इंशाल्लाह वो PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। तो इसी जी जी भाई साहब का एक सवाल ये है कि हर साल वो कुर्बानी यहाँ देते हैं, अब ये इनकी फैमिली सब वहाँ हज पे जा रहे हैं, तो क्या उनको कुर्बानी यहाँ भी देना है? देखिए, जो लोग यहाँ से वहाँ चले गए तो उन पर हज की कुर्बानी वाजिब होती है, और जो लोग यहाँ रहते हैं अगर वो इस्तात रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो दे सकते हैं, वरना जो है एक आदमी पर दो कुर्बानी नहीं है, दूसरे लोग कर सकते हैं, यहाँ रहने वाले कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इंसान चाहे तो कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन उन पर वाजिब नहीं है क्योंकि वो हज में चले गए, और जो लोग यहाँ रहते हैं अगर वो इस्तात रखते हैं तो उन पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं है। और अगर एक इंसान ये चाहता है कि हम हज की कुर्बानी वहाँ देंगे, ये हज की कुर्बानी और बकरीद की कुर्बानी यहाँ देंगे, तो दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक, वसल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद।